गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, ओके? आज तक हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा हुआ था वो क्या था? अल्फाबेट, वर्ड और सेंटेंस, ओके? आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, पिछली बार की तरह कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। और आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस वीडियो में हमने आपको बताया था, आज हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले, जो कि मैंने आपको बता दिया था वर्ड में होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं, आपको मैंने बताया था। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या क्या बताया था मैंने आपको। देखो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एंड लास्ट इज इंटरजेक्शन, ओके? 8 प्रकार के होते हैं ये। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ओके? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड लास्ट इज इंटरजेक्शन। इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, ओके? उतना आप लोगों ने नोट किया। चलो अब देखते हैं डिफिनीशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन, यानी कि संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा की जिसको पता हो वो उसकी डिफिनीशन यानी इसके बारे में कुछ छोटा सा लिख के बता दे, ओके? और नोट में आपको करवाते हैं डिफिनेशन, ओके? अगर सिंपल वे में हम बात करते हैं, अगर कोई हमसे पूछता है तो हम सिंपली बात करते हैं, सिंपली अगर हम लिखना चाहें, बताना चाहें तो लिख सकते हैं, नाउन इज नेमिंग वर्ड, यानी कि नाम के जितने शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन कहलाते हैं। यही तो होता है ना, यही तो पढ़ते हैं, नाम के जितने भी शब्द होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। और एक और डेफिनेशन मैं आपको लिखवाती हूँ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टी, स्टेट, एक्शन और थिंग्स। हम लोग हमेशा पढ़ते आते हैं क्या, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, उसमें प्रॉपर्टी नहीं आती, स्टेट नहीं आता, एक्शन नहीं आता, ये चीज़ें भी हमें ऐड करनी चाहिए, बट हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। सो ये हो गया ना, यानी कि जितने भी नाम के शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा, यानी कि नाउन कहते हैं उसे हम। इसको आप लोग जल्दी से फटाफट नोट कीजिए 5 सेकेंड में, 5, 4, 3, 2 एंड 1 हो गया। अब देखो टाइप्स पढ़ते हैं नाउन के, टाइप्स टाइप्स ऑफ नाउन, हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ नाउन अपनी नोटबुक में। इसके बाद फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ इज
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके। और ये दूसरा क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। चौथा है पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। इसको आप लोग नोट कीजिए जल्दी से, इधर मैं आपको हिंदी भी लिख देती हूँ, ओके। इसको आप लोग जल्दी से कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में, ओके। 5, 4, 3, 2, लास्ट इज 1, हो गया। अब देखो हम चलते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, उन पांच टाइप्स में। पर सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है बताओ तो, प्रॉपर नाउन में हम किसी भी यूनिक चीज की बात करने, कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगी, कोई स्थान होगा, वो क्या होगा, यूनिक होगा, यानी उसके जैसा दूसरा नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं किसी भी स्थान की, स्थान की अगर हम बात करते हैं प्रयागराज, प्रयागराज की अगर बात की जाए तो प्रयागराज पूरे वर्ल्ड में एक ही है, एक ही है, इसीलिए वो क्या होगा, होगा प्रॉपर नाउन। ऐसे ही जो भी चीजें एक होंगी वो क्या कहलाएंगी, प्रॉपर नाउन। इसकी डिफिनेशन आप लोग जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। अ प्रॉपर नाउन इज रिफर्स टू नेम नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इन यूनिक सेंस, यानी कि जो चीज स्पेसिफिक होगी, यूनिक होगी, वो उसके बारे में बात करेंगे हम इसमें, ओके। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, किसी प्लेस का नाम लिख लिया, जैसे दिल्ली लिख लिया, प्रयागराज लिख दिया, यूपी, ऐसे। और नेम किसी भी पर्सन का नेम हो गया, राम, श्याम, ये सब, ओके। थिंग्स कोई भी हो गई, जैसे कि देखो, जैसे किसी भी थिंग, जैसे हमने लिखा पेंसिल, पेंसिल, लेकिन रूम्स की पेंसिल होती है ना वो, क्योंकि वो यूनिक होगी। डूम्स पेंसिल, पेंसिल तो बहुत सी हैं, बट डूम्स की पेंसिल एक ही है, ओके। इसीलिए हम डूम्स पेंसिल लिख सकते हैं, पेन, ऐसे ही एक्स्ट्रा जो भी हैं, जो भी चीज़ यूनिक होगी, एक अलग होगी, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन, ओके। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे इसके एग्जांपल्स बताते हैं आपको, हो गया। आप देखो आगे हम चलते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, ओके, जिससे कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आए। आप जो भी, अगर मैं आपको जो भी एग्जांपल्स लिखूंगी उसको पहले आप कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, उसके आगे हम आपको बताएंगे, ओके। देखो जैसे लिखा मैंने, रोहन लिखा, रोहन इज अ गुड
बॉय। रोहन इज अ गुड बॉय। सेकेंड लिखा आई लिव इन लखनऊ। आई लिव इन लखनऊ। और जैसे लिखा वाओ वाओ ताजमहल इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल। फर्स्ट सेंटेंस देखो आप लोग। फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है मैंने, रोहन इज अ गुड बॉय। मैंने आपको क्या बताया, जहां पर किसी का नाम दिया होगा किसी व्यक्ति का, वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में क्या होगा, रोहन, रोहन होगा प्रॉपर नाउन। ओके, रोहन इज प्रॉपर नाउन इन फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस पे आओ, आई लिव इन लखनऊ, यानी कि जो है मैं लखनऊ में रहता हूँ। ओके, सो ये यहाँ पे लखनऊ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा प्रॉपर नाउन। उसके बाद देखो वाओ ताजमहल इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यानी कि सॉरी मोर ब्यूटीफुल। वाओ ताजमहल इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ताजमहल, क्योंकि ताजमहल पूरे वर्ल्ड में एक ही है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। ताजमहल क्या होगा यहाँ पे, प्रॉपर नाउन होगा इन थर्ड सेंटेंस। ओके, इस एग्जाम्पल्स को आप जल्दी से नोट कीजिए, उसके आगे हम चलते हैं। हो गया, अब देखो आगे चलते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल नंबर फोर लिखो, मिस्टर नरेंद्र मोदी मोदी इज अ गुड प्राइम मिनिस्टर। ऑफ इंडिया। इसमें आप लोग जल्दी से देखो कि प्रॉपर नाउन क्या होगा इसमें, और लिखते हैं फाइव। आई हैव फोर पेंटोनिक पेन, फोर पेंटोनिक पेन। ओके, सो देखिए फर्स्ट में, सॉरी फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में अगर हम बात की जाए, जैसा कि मैं आपको बताया था कि नाम जहाँ पर आएगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर होगा ही होगा प्रॉपर नाउन। यानी कि ये इसमें मिस्टर नरेंद्र मोदी क्या है यहाँ पे, प्रॉपर नाउन फोर्थ सेंटेंस। और इसके बाद भी कुछ और है, प्राइम मिनिस्टर तो नॉर्मली हो गया, ओके जनरली आ गया। इंडिया, इंडिया भी यहाँ पे होगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि इंडिया एक ऐसी एक यूनिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। ओके, और फिफ्थ देखिए, आई हैव फोर पेंटोनिक पेन, यानी कि पेंटोनिक, पेंटोनिक यहाँ पे क्या होगा, पेंटोनिक होगा इसमें प्रॉपर नाउन, बिकॉज पेन तो बहुत सी होती हैं, बट पेंटोनिक पेन ये इसमें मतलब ये यूनिक नेम है, इसीलिए ये क्या होगा प्रॉपर नाउन होगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर आप जो भी क्वेश्चन करना चाहें, जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं मुझसे, वीडियो से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच।